स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर अपोजिट एंगल्स. ओके, सो यू कैन सी हियर द डेफिनेशन. समटाइम्स वी कैन राइट ए व्यू इन द शॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर अपोजिट एंगल्स. यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द रे. सॉरी, दिस इज द लाइन. And this is also line, and the point of intersection is here is O. Okay, so you can observe the definition. Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. Okay, you can see means this is this part. Means we can write here this part. This is vertically opposite angle, and we can write here this is also vertically opposite angle. This is also vertically opposite angle. Okay, so we can write here angle AOC equals to AOC equals to angle BOD. This is the vertically opposite angle. Next we can write here BOC equals to angle AOD. Okay, AOD. So this is the pair of vertically opposite angle. This is the pair of vertically opposite angle. We can say here this is pair of vertically opposite angle. You must know about it. This is VOA, means vertically opposite angles. So we are going to discuss one of the theorem based on the vertically opposite angle. हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपोजिट एंगल के थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस करने के बारे थोड़ा सा हम लोग एलपीए के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं. लीनियर पेयर एंगल आप शायद पढ़ भी चुके हैं, उसको हम पढ़ा भी चुके हैं, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं. यहाँ पे जैसे देखिए, ये एंगल कौन सा, ये एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों जो है सम जिसका क्या होगा 180 होगा. ये लीनियर पेयर एंगल की फॉर्म होगा. ठीक है, मान लेते हैं ये 3 और ये 4 है. ठीक है, ये 3 और 4 भी क्या होगा लीनियर. यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल का कौन कौन सा पेयर बन रहा है. मतलब सबसे पहले हम लोग एल पी ए अप्लाई करते हैं इसमें. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल्स टू, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री. इसका रीजन लिख सकते हैं आप, इसका लिख सकते हैं ये ए बी जस्ट स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ सी स्टैंड ऑन इट, दैट्स व्हाई एंगल वन प्लस टू इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, आप लिख सकते हैं इसको इसका रीजन में. फिर एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये हम लोग रीजन इसका आप लिख सकते हैं एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये भी क्या होगा 180 डिग्री होगा. और इसका रीजन क्या होगा, लाइन सी डी, सॉरी रे ओ बी स्टेंड ऑन लाइन सी डी. ओके, थ्री इक्वल्स टू फोर, ये भी लिख सकते हैं आप. एंगल थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री. ये जो है आपका इसका क्या होगा, रे ओ बी स्टैंड ऑन ए ओ लाइन ए बी. ओके, सो ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल फोर, एंगल वन प्लस एंगल फोर. सो यहाँ पे इसका जो रीजन होगा ये 180 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा, रे ओ ए स्टैंड ऑन सी डी. ओके, सो ये सारे पेयर जो है यहाँ पे वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है. ठीक, और अगर सारे एंगल्स को हम लोग ऐड कर दिया जाए तो एक कॉरोलरी भी होता है एलपीए का, हम वो आपको बताए थे एंगल वन प्लस एंगल टू. आप इसको ऐसा भी सीख सकते हैं अगर सारे एंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं. ठीक है, जितना एंगल है तो यहाँ से हम लोग का पॉइंट पे एंगल निकल जाएगा कितना इसका एंगल्स होगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना एंगल है, एंगल वन एंगल वन तो ट्वाइस एंगल टू, एंगल टू एंगल टू ट्वाइस एंगल टू, एंड एंगल वन एंगल वन ट्वाइस द एंगल वन, एंगल थ्री ट्वाइस द एंगल थ्री, एंगल फोर ट्वाइस द एंगल फोर. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू कॉमन लेते हैं, और अगर टू कॉमन लेंगे तो एंगल वन होगा, एंगल क्या होगा टू होगा, एंगल क्या होगा थ्री होगा, एंगल क्या होगा
फोर ओवर, इसको सब अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 723। ठीक है, और 723 अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी करते हैं, किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल की थ्री पार्ट को हम लोग समझते हैं, और ये चीज़ जो है हम लोग को यहाँ पे क्या किए 2 कॉमन लेके यहाँ पे इसको कटा दिए, यहाँ पे ये 360 आया हुआ है। ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है कंप्लीट एंगल है, किसी भी ये कॉरोलरी कॉरोलरी है आपका, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये जो है कोई ये एल पी ए का एक कॉरोलरी आपको हम पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को, वहाँ पे आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कैसे हम लोग इसको 360 होता है वो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें आप इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट था, और एक इसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।